फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेडिकल कॉलेज की यह घटना सामान्य या फिर अक्सर होने वाली कही जा सकती है, लेकिन इसके क्या परिणाम सामने आ सकते हैं यह वक्त ही बताएगा। दरअसल मेरठ स्थित लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में बंदरों का खासा जमावड़ा है। यह एक सामान्य बात हो सकती है, लेकिन कुछ बंदरों ने दो दिन पहले कोरोना संक्रमित लोगों के 3 सैंपल लैब टेक्नीशियन से छीन लिए और उन्हें मुंह से काटकर नष्ट कर दिया। सैंपल का ब्लड बंदरों के मुंह पर भी लग गया। आशंका जताई जा रही है कि कहीं इससे बंदरों में कोरोना न फैल जाए। हालांकि अभी तक जानवरों में कोरोना फैलने की बात कहीं से भी सामने नहीं आई है। दरअसल जिले के कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों को मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। ब्लड शुगर व हीमोग्लोबिन आदि की जांच के लिए रोजाना ही इन संक्रमित लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये सैंपल वार्ड में तैनात चिकित्सक ही लेते हैं और बाहर लैब टेक्नीशियन के हवाले कर दिए जाते हैं। इन सैंपल को लेकर टेक्नीशियन लैब आ जाते हैं, जहाँ इनका परीक्षण होता है। लैब कोरोना वार्ड से थोड़ी ही दूर स्थित है। दो दिन पहले ही बंदरों ने खेमकरण सिंह नामक लैब टेक्नीशियन से वापस लौटते हुए सैंपल का बैग छीन लिया। बंदर उसे लेकर पेड़ पर चढ़ गए और सारे सैंपल, संक्रमित ग्लव्स, कॉटन आदि को मुंह से फाड़ने लगे। सैंपल का ब्लड भी बंदरों के मुंह पर लग गया। इस बारे में जब खेमकरण सिंह से फर्स्ट बाइट ने बात की तो उन्होंने बताया कि बंदरों के आतंक के बारे में CMS को पिछले सप्ताह ही उन्होंने एक पत्र लिखा था और इस घटना के बारे में भी उन्हें उसी समय बता दिया गया था। CMS के कहने पर ही दोबारा से कोरोना संक्रमित लोगों का ब्लड लिया गया। खा कैसे रहा है? ना वो खा रहा है गिलप सब। अरे यार गिलप खा रहा। कुछ सैंपल नीचे भी गिरे? नीचे गिर गए कुछ। खोले ना अभी। नीचे गिरे इसमें आ रहा है भैया, देखो क्लियर है, क्लियर है, तेरा क्लियर है। साफ आ रहा आपके? हाँ एकदम क्लियर। लो बाकी बंदर आ गए वहाँ। अरे आपके में तो सही आ रहा है। मेन नंबर भेज दो आप। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल भेज दूँगा। और पास से बनाऊँ क्या? पता चला वहीं मेरा हाथ से छीन के लेगा मोबाइल। बता दें कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में भूखे प्यासे बंदर इधर उधर भटकते रहते हैं और भोजन की तलाश में वे तीमारदारों या फिर स्टाफ को अपना निशाना बना लेते हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।